देखो, आज हम स्ट्रॉबेरी को तैयार करेंगे, इसे मीठा बनाएंगे। ये एक ऐसा फल है कि किसी भी स्वीट डिश पर इनको सजाया जाए तो डिश की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। आप स्ट्रॉबेरी ले लें, जितना दिल चाहे ले लें। तो आइए, इनको काटना कैसे मैं पहले बताऊं। आप इनको चार हिस्सों में काट लें, नीचे से अलहदा ना हो। स्ट्रॉबेरी को पहले धो लिया, अब इसको एक प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह मैं सारी काट लूं। मैंने सब को काट लिया, ये नीचे से अलहदा नहीं हो, ऊपर से काट लिया। अब मैंने क्रीम ले ली, आप इसको बीपे बोले, ये हमें फ्रेंच में इसका नाम लिखा हुआ। मैं दिखा इस रही हूँ कि मेरी दोस्त है अरबी, वो फ्रांस में रहती है, तो वो ही मेरी वीडियो को देख के और बनाती है, इसलिए मैं उनको दिखा रही हूँ। ये डबिया लें और इसमें डालें। अब ये मेरे पास चीनी है, पीसी हुई चीनी, आप पीसी हुई चीनी डालें। चीनी आपको तेज डालनी पड़ेगी, मीठा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉबेरी जो होती है वो खट्टी मीठी होती है, आपकी क्रीम जो है वो मीठी होनी चाहिए। आप चीनी को पीस लें, अगर आपके पास पीसी हुई नहीं है, क्योंकि मोटी चीनी हो तो पानी छोड़ देती है, ज़्यादा पानी छोड़ती है। ये बारीक कर लें और आखिर में इसमें डाल के मिक्स कर लें। और क्रीम को हम बीट कर लेते हैं, उसको तैयार कर लेते हैं। आप ऐसा करेंगे, आप कोई सी प्लास्टिक की थैली ले लें, इसमें क्रीम डालेंगे, खुले मुंह वाली ले लेंगे। अब इसको यूं रखेंगे और चम्मच की मदद से इसमें क्रीम डालेंगे। कोने में क्रीम डालेंगे, कोने में क्रीम चली गई। अब इसको यूं पकड़ेंगे, यहां से सुराख करेंगे। इस तरह करके नीचे से सुराख कर लेते हैं। आप ये ऊपर से प्लास्टिक लगा दें, ऊपर से प्लास्टिक लगाने से ये अच्छी तरह बंद हो जाएगी क्रीम। अब नीचे से सुराख करेंगे, अब नीचे से हल्का सा सुराख कर लेंगे। सुराख हो गया, अब स्ट्रॉबेरी पकड़ेंगे, पहले तो चेक कर लेंगे पकफे बोलते हैं फ्रांस में, अच्छा है। अब हम यूं करेंगे, एक स्ट्रॉबेरी पकड़ेंगे, उसको अंदर से क्रीम से भर देंगे। इसको यूं रखते जाएंगे, दूसरी पकड़ेंगे। मैंने आपको आसान सा तरीका बता दिया। यूं रखेंगे, इस तरह मैं सारियां भर लेती हूं। ये ले, मैंने इनको भर दिया, सजा दिया। आप इनको अब हम रख देंगे फ्रिज में, ठंडा होने के बाद पेश करेंगे। ट्राई करना, अल्लाह करे आपको पसंद आए। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी, अल्लाह हाफिज़।